पेरेंट्स एस को एजुकेटर प्रोग्राम की अगली गतिविधि में आपका स्वागत है। आज की गतिविधि का नाम है मैच ट्रिक पहेली। यह गतिविधि में बच्चे चुनौतीपूर्ण पहेलियां हल करके अपनी तार्किक कौशल यानी कि लॉजिकल स्किल्स में सुधार करेंगे। यह गतिविधि करने के लिए आपको केवल एक सामान्य माचिस के डिब्बे की जरूरत है। यदि माचिस का डिब्बा ना हो तो आप आइसक्रीम स्टिक या पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बहुत सारी पहेलियां बताई गई है और उनका हल भी बताया गया है। आप ये पहेलियां बनाकर अपने बच्चों को दीजिए और उन्हें हल करने के लिए कहिए। पहले एक आसान पहेली से शुरू करते हैं। दिए गए चित्र में जैसे दर्शाया गया है वैसे माचिस की तीलियों को सजा दे। अब जैसे कि दिख रहा है इस चित्र में एक छोटा और एक बड़ा स्क्वायर है। बच्चों को कहिए कि सिर्फ तीन माचिस की तीलियों की जगह बदलकर इसमें से तीन छोटे स्क्वायर बनाए। पिछली स्लाइड में दी गई पहेली का हल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। यह और एक आसान पहेली है। दिए गए चित्र में एक बड़ा ट्राइंगल, तीन छोटे ट्राइंगल और एक हेक्सागन है। बच्चों को कहिए छह माचिस की तीलियां हिलाकर अब छह छोटे ट्राइंगल और एक बड़ा हेक्सागन बनाइए। पिछली स्लाइड में दी गई पहेली का हल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। अब चुनौती को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यह पहेली सामान्य है। पिछली स्लाइड में दर्शाई गई पहेली का हल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। यहां पर और एक सामान्य पहेली दर्शाई गई है। पिछली स्लाइड में दर्शाई गई पहेली का हल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। इस सामान्य पहेली में बच्चों को तीन से चार इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने हैं तीन तीलियों की जगह बदलकर। पिछली स्लाइड में दर्शाई गई पहेली का हल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। यहां पर और एक सामान्य पहेली दर्शाई गई है। यहां पर पिछले स्लाइड में दर्शाई गई पहेली का हल प्रस्तुत किया गया है। चुनौती को अब एक पड़ाव आगे ले चलते हैं। यहां पर एक कठिन पहेली प्रस्तुत की गई है। बच्चों को दर्शाए गए चित्र में से तीन माचिस की तीलियों की जगह बदलकर तीन स्क्वायर बनाने हैं। पिछली स्लाइड में दर्शाई गई पहेली का हल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। यहां पर और एक कठिन पहेली प्रस्तुत की गई है। इसमें दो माचिस की तीलियों की जगह बदलकर कुत्ते को दूसरी तरफ मुंह करना है। पिछली स्लाइड में दर्शाई गई पहेली का हल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। यह एक आखिरी कठिन पहेली है। गौर से सोचिएगा कि यहां पर प्रस्तुत किए गए एक ट्राइंगल और तीन माचिस की तीलियों की मदद से चार ट्राइंगल कैसे बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, इस पहेली को हल करने के लिए 3D शेप्स की मदद ली गई है। गतिविधि पूर्ण होने के बाद अब बच्चों के साथ इन सवालों पर चर्चा कर सकते हैं। क्या शुरुआत में उन्हें नई पहेलियां देख
पर कुछ विचार आए। क्या वह खुद से ऐसी पहेलियां सोच सकते हैं? पहेलियों को माचिस की तीलियों से सुलझाने से पहले क्या वो अपने मन में जो उपाय है वह अपने मन में सोच पा रहे थे? यह गतिविधि हमें अरविंद गुप्ता टॉयज के वेबसाइट से मिली है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। इस गतिविधि के लिए हम अरविंद गुप्ता टॉयज को धन्यवाद कहना चाहते हैं। आज की गतिविधि हम यहाँ समाप्त करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चे की यह गतिविधि करते हुए कुछ तस्वीरें या वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर करें। किसी भी संदेह या सुझाव के लिए हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।